पंजाब के एजी एपीएस देओल और पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। देओल ने सिद्धू पर आरोप लगाए थे कि वह राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए जो है झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिसके चलते अब नवजोत सिंह सिद्धू ने देओल को करारा जवाब देते हुए ट्वीट पर ट्वीट किए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि न्याय अंधा हो सकता है, पंजाब के लोग अंधे नहीं हो सकते। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बेअदबी मामले में न्याय देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि उसमें आपने आरोपियों के लिए हाईकोर्ट के सामने आप आरोपियों के लिए पेश हुए थे और आपने हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस सरकार के खिलाफ आपने गंभीर आरोप लगाए थे, आज आप उसी सरकार की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि आप मुझ पर गलत सूचना फैलाने का आरोप मत लगाएं और एक वकील होने के नाते आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर है, राजनीति राजनेताओं को करने दीजिए, आप राजनीति ना करें। सिद्धू ने लगातार ट्वीट करके देओल को जो है वो करारा जवाब दिया, आड़े हाथों लिया, क्योंकि देओल ने बीते दिन जो है नवजोत सिंह सिद्धू पर काफ़ी जो तीखे हमले बोले थे। उन्होंने कहा था कि नवजोत सिद्धू सिर्फ और सिर्फ राजनीति का बेनिफिट उठाने के लिए लगातार जो है झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिसके चलते आज जो है सिद्धू ने उनको करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अंधे नहीं हैं, न्याय अंधा हो सकता है, हमारी सरकार ने बेअदबी मामले में इंसाफ दिलवाने के लिए लोगों से वादा किया था, जिस पर उस समय आप हमारी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे और आरोपियों के साथ आप खड़े थे, लेकिन आज जिस सरकार पर आप गंभीर आरोप लगा रहे थे उसकी पैरवी कर रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर है, राजनीति जो है राजनेताओं को करने दीजिए। देओल और सिद्धू के बीच में काफ़ी समय से जो ये जंग छिड़ी हुई है, बीच में जो खबर आई थी कि देओल ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद क्लियर किया कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कि हाँ सिद्धू का प्रेशर जरूर है लेकिन मुझे किसी ने नहीं कहा है कि वो इस्तीफा दे दें, जिसके चलते जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो झूठी हैं। जिस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सिद्धू सिर्फ राजनीति फायदा उठाने के लिए जो है झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिस पर आज जो नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर यह आरोप मत लगाइए, मैं कोई झूठी अफवाहें नहीं फैला रहा हूं, आप सिर्फ राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं, राजनीति राजनेताओं को करने दीजिए, क्योंकि बेअदबी मामले पर इंसाफ का जो वादा था वो हमारी सरकार ने लोगों से किया था, न्याय अंधा हो सकता है, पंजाब के लोग अंधे नहीं हो सकते, और उस समय जो है आपने आरोपियों के साथ खड़े थे, आपने जो है आरोपियों के साथ खड़े थे और हमारी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन जिस सरकार पर आपने आरोप लगाए थे आज उसी की पैरवी कर रहे हो, तो राजनीति जो है वो राजनेताओं को करने दीजिए, मुझ पर गंभीर आरोप मत लगाइए। वैसे आपको बता दें, देओल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि सिद्धू सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिद्धू अपनी सरकार की जो है छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धू झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसे जो आरोप हैं देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पे कहे थे, जिसके बाद सिद्धू पलटवार हुए। और इस बीच जो है प्रगट सिंह भी सिद्धू के पक्ष में उतर कर आए, उन्होंने कहा कि देओल ने जो भी बयान दिया वो गलत था, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। प्रगट सिंह जो सिद्धू के हमेशा साथ में खड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि जब सिद्धू का कैप्टन के साथ जो वार टकराव चल रहा था उसमें भी प्रगट सिंह जो है वो सिद्धू के साथ खड़े थे, और इस बात पर भी, इस मामले पर भी प्रगट सिंह जो है सिद्धू के पक्ष में उतरे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देओल ने जो भी ये बात की है, उन्होंने जो भी सिद्धू के खिलाफ बोला है वो गलत है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सिद्धू जो है इस बात से गुस्सा है, जिस पर उन्होंने देओल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति ना कीजिए, राजनीति राजनेताओं को करने दीजिए, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, आपने हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगाए थे, बेअदबी मामले में हमारी सरकार ने लोगों से वादे किए थे कि वो उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन उस समय जो आप हमारी सरकार के खिलाफ थे और आज जिस सरकार के आप खिलाफ थे आज उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो राजनीति जो है वो राजनेताओं को करने दीजिए, मुझ पर झूठे आरोप नहीं मत लगाइए। कैमरामैन उपनीत के साथ मैं शायना शर्मा, जिंदाबाद चैनल, चंडीगढ़।